अगर आपको घटाना आ रहा है तो आप लेवल 2 में चले जाते हैं, और अगर आपको घटाना नहीं आ रहा तो हम लेवल 1 में रह जाते हैं। तो उस कड़ी को समझते हैं, घटाना सवाल करते कैसे हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक सवाल लिखा है, 73 में से आपको 37 माइनस करना है। घटाने का कुछ नियम होता है, सारे बच्चे इधर देखेंगे कैसे करना है, क्योंकि उसके बाद आप करोगे। कल हमने बताया था ये क्या है, इकाई। ये क्या है, इकाई। इसे कहते हैं वंस, इसे कहते हैं टेंस। ठीक है, चाहे जोड़ हो चाहे घटाना हो, सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करते हैं, राइट साइड यानी कि इकाई से। कहाँ से शुरू करते हैं, इकाई से। तो कल हमने जो सवाल करे थे सिंपल घट रहे थे, मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या आराम से घट रही थी। आज हम कैरी वाला, जिसे हासिल कहते हैं, उसको देख रहे हैं कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर 3 है, कितने हैं, 3। तो सिंपल सी बात है कि 3 में से 7 माइनस होता है या नहीं, क्योंकि 3 जो है वो छोटा है और 7 क्या है, बड़ा है। तो छोटे में से बड़ा नहीं घटता है। अब क्या करेंगे, तो आप देखो यहाँ पे 3 लाइन हमने पहले खींच दी क्योंकि 3 है। अब क्या होता है, यहाँ पे काम आता हमारा पड़ोसी, इसलिए कहते हैं कि पड़ोस में अच्छा बना के रखो ताकि पड़ोसी आपके काम आए। ठीक है, तो आपने पड़ोसी में अपने रिलेशन अच्छे बनाने हैं, वहाँ लड़ना झगड़ना नहीं है, ताकि पड़ोसी आपको कुछ मदद कर सके। तो 3 का पड़ोसी कौन है, 7 है। तो हम 7 से एक दहाई लेते हैं, क्या लेते हैं, दहाई। मान लीजिए ये 3 है, तो जो दहाई है वो दहाई की जगह 13, 13 हो जाता है, क्योंकि ये दहाई है। तो हम यहाँ पे कितनी लाइन खींचेंगे, 13। 3 पहले से खींची है तो 10 वाले खींचेंगे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर, ये 3 जो था वो 13 हो गया। कितना हो गया, 13। अब 13 में से कितना घटाना है, 7 जाएगा, 13 बड़ा है और 7 छोटा है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से काटेंगे, जितना काटेंगे 7 लाइन काट देंगे, गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 काट दिए। अब क्या करेंगे हम, कौन सा गिनेंगे, दो बच्चे हैं, गुड देव। तो बच्चे में हम काउंट करेंगे, तो गिने आप, जल्दीबाजी नहीं करनी है और गलत नहीं करना। और यहाँ पे देखो हम गिनेंगे नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये 6 कहाँ लिखेंगे हम, 7 के नीचे। यहाँ लिखो क्यों नहीं लिखना है, यस, क्योंकि हम इकाई का हिसाब कर रहे हैं, तो इसका हिसाब इसी में जुड़ना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुमने उधार किसी से लिया और चुका किसी और का, तो जिससे लिया उसी का चुकाओगे ना। अभी हम हिसाब कर रहे हैं इकाई का, तो इकाई की जगह क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। ठीक है, अब हम जोड़ेंगे 7 में से 3, गलत, क्योंकि इसके पास 7 रुपए थे पड़ोसी के पास, उसने 1 रुपया जो बगल वाले को दे दिया, तो उसके पास कितने बचे, 6। हालांकि इसके पास 70 थे, इसको कितना मानते हैं, 70। 3 घटा देंगे तो 70 बचेगा, और हमने एक दहाई दिया, एक दहाई मतलब 10 दिया, तो इसके पास बचा 60, कितना बचा, 60, क्योंकि दहाई में 6 है, कितना रह गया दहाई में, 6। तो हम 6 लाइन खींचेंगे फिर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब कितना घटाएंगे इसमें से, 3 3 घटाएंगे, तो 3 घटाने के लिए फिर से पुराना वाला हम क्या करेंगे, 3 लाइन कट कर देंगे, 1, 2, 3 अब कितना बचा है, 3 जोड़ेंगे हम। देखो ये तो दिख रहा है, लेकिन कई बार बहुत बड़ा सा जोड़ होता है, तो आपको तुक्का नहीं मारना है, गिने आप बोर्ड पर, 1, 2, 3 को यानी क्यों, तो आपका आंसर कितना आ गया, 36। कितना आ गया, 36। अब आप बारी बारी से यहाँ पर आप खुद करेंगे इस सवाल को।